हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रविवार को जयपुर के रामलीला मैदान में आप पार्टी की तरफ से आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए आप नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नए आगामी विधानसभा चुनाव में आप पार्टी के सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। शादी किसानों मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र जारी किया। आपके घोषणा पत्र में किसान मजदूर महिलाओं पर फोकस रखा गया। जनसभा में आप हाल ही में शामिल हुए एवं किसान नेता रामपाल जाट ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। हालांकि आप पार्टी के नेताओं द्वारा किए गए भीड़ के दावे ज्यादा असरदार नजर नहीं आए। 50 रुपए सरकार ने घोषित करके वाहवाही ली, लेकिन एक दाना भी खरीदा नहीं। आज 1350 रुपए में खरीद हो रही है बाजरा की, गांव में 1200 रुपए में बिक रहा है, लूट गया किसान। दूसरा कि किसानों की फसल खरीद की बात की पर रजिस्ट्रेशन भी चालू नहीं हुआ, मूंगफली का, उड़द का, मूंग का, सोयाबीन का। और तीसरा कि प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना में सारे किसानों का इन्होंने प्रीमियम काट लिया, इतना ज्यादा खराबा हुआ, लेकिन उसका एक पैसे का भी क्लेम किसान को नहीं मिला। बिल्कुल, रामपाल जी अनशन पे बैठे, परमिशन नहीं थी, रिक्शे पे डोलते फिरे, जगह नहीं थी। जयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।